हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि क्या रिवर्स जब करते हैं हम लोग, रिवर्स गियर में जब पीछे गाड़ी लेके जाते हैं तो क्या उस टाइम एक्सेलेटर दबाना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में, इस टॉपिक में बात करूँगी कि क्या रिवर्स गियर में जब भी रिवर्स लेते हैं तो उस टाइम एक्सेलेटर लिया जाता है या नहीं लिया जाता, या फिर कब लिया जाता है एक्सेलेटर, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि क्या रिवर्स लेते टाइम हम लोग एक्सीलेटर ले सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ही ले सकते हैं, मगर आपको एक्सीलेटर नॉर्मली जब आप ड्राइव करते हो, जब आप लर्नर होते हो, तो एक्सीलेटर नहीं प्रेस करना होता है। जब आप लर्नर हो तो उस टाइम आप जब रिवर्स करते हो गाड़ी, तो उस टाइम आपको एक्सीलेटर नहीं लेना होता है। नॉर्मली जब फ्लैट रोड में आप चलाते हो तो उस टाइम, क्योंकि एक्सेलेटर इसलिए नहीं लेना होता है क्योंकि एक तो हम लोग को पीछे दिख नहीं रहा है, तो जब भी पीछे हम लोग गाड़ी को लेके जाते हैं तो स्लो स्लो ही लेके जाते हैं, तो एक्सेलेटर बिल्कुल भी उस टाइम प्रेस नहीं करना होता है क्योंकि हम लोग को पीछे दिखता नहीं होता है और हम लोग गाड़ी को पीछे लेके चलते हैं, पीछे चलाते हैं रिवर्स गियर पे, इसलिए हम लोग को एक्सेलेटर उस टाइम नहीं लेना रहता है। एक्सेलेटर उस टाइम ले सकते हैं जब गाड़ी हम लोग का स्लोप पे है, उस टाइम आप एक्सेलेटर ले सकते हो। जैसे अभी एक्सेलेटर कब ले सकते हो, जैसे गाड़ी को पहले रिवर्स गियर में लगा लिए, उसके बाद क्लच ब्रेक ले लिए, फिर गाड़ी को ऑन कर लिए, ब्रेक छोड़ दिए और क्लच को धीरे धीरे छोड़ोगे तो गाड़ी रिवर्स जाएगा, तो उस टाइम हम लोग को एक्सेलेटर लेना होता है जब स्लोप पे चलते हैं और क्लच ब्रेक ब्रेक छोड़ देते हैं और क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो गाड़ी हमारा मूव होता है और जब गाड़ी पीछे नहीं जाता है तो उस टाइम हम एक्सेलेटर प्रेस करते हैं, जब गाड़ी पीछे नहीं जाता है स्लोप पे, तो उस टाइम आप एक्सेलेटर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो उस टाइम एक्सेलेटर। और जब हम लोग जैसे गड्ढे में फंस गए, ऑफ रोड चल रहे हैं और पीछे रिवर्स कर रहे हैं, उस टाइम पीछे पत्थर उत्थर आ गया, हम लोग को तो दिखता नहीं है और गाड़ी पीछे जाता नहीं है, तो उस टाइम आप रिवर्स करते टाइम एक्सेलेटर आप प्रेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर तब भी एक्सेलेटर जब भी प्रेस करते हो तो स्लो स्लो ही प्रेस करना, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है। फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलेटर रिवर्स करते टाइम कुछ कुछ सिचुएशन में एक्सेलेटर प्रेस करते हैं, ज़्यादातर एक्सेलेटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम लोग को पीछे दिखता नहीं है और हम लोग रिवर्स गाड़ी को चलाते हैं, तो उस टाइम एक्सेलेटर ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मली फ्लैट रोड में आपको रिवर्स करते टाइम एक्सेलेटर नहीं लेना है, और जब आप स्लोप पे चलते हो, स्लोप पे गाड़ी रहता है, तो उस टाइम आप एक्सेलेटर ले सकते हो रिवर्स गियर में, और ऑफ रोड के टाइम में भी एक्सेलेटर ले सकते हो रिवर्स के टाइम में, जब आपका गाड़ी पीछे नहीं जाता है, फंस जाता है, स्टक हो जाता है, उस टाइम आप एक्सेलेटर ले सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेलेटर कब प्रेस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।